नमस्ते साथियों स्वागत है आपका आपके में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में जैसे दोस्तों थंबनेल को देखने के बाद पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर तो बात करने वाले हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबीसी एंड एस कैटेगरी के तुलना में एस कैटेगरी को स्कॉलरशिप कम क्यों मिलता है तो दोस्तों यह डाउट काफी सारे दोस्तों का था जो कि दो में साठ का स्कॉलरशिप जिन भी साथियों को मिला है तो उन्हें एस एंड ओ के तुलना में कम पैसा मिला है तो उन लोगों का यह प्रश्न था कि ऐसा हम लोगों के साथ क्यों हो रहा है और इसके जो पिछले साल में भी पैसा दो में जो मिला था तो उस ईयर में भी जो है एस एंड ओ बी के तुलना में एस कैटेगरी को कम पैसा मिला था तो दोस्तों यह डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है तो दोस्तों इसको लेकर कल्याण आयुक्त जो है अजयनाथ झा सर उससे बात किया गया तो उसके द्वारा एक पीडीएफ भेजा गया है कि इस पीडीएफ से आप समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस चार्ज किसके ऊपर में क्या है कैटेगरी वाइज दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों वो पी को हम देखते हैं कि आ, क्या मेंटेनेंस चार्ज है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं तो जैसे कि दोस्तों ये यह यहाँ पे पी दिया गया है और इसमें लिखा है पोस्ट मेट्रिक मेंटेनेंस रेट बाय गोल उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी ऑफ कोर्स दिया है इसके नीचे जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री ग्रुप फोर तो दोस्तों यहाँ पे ग्रुप में बटा हुआ है यदि हम ग्रुप वन के बारे में बात करें तो डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोफेशनल कोर्स है तो यह कोर्स दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं इसमें एस कैटेगरी का दिया है और यहाँ पे आपको एस कैटेगरी का देखने को मिल जाएगा और ये आपको ओबीसी कैटेगरी का देखने के लिए मिल जाएगा ग्रुप वन का हम यदि देखें तो एस कैटेगरी का जो हॉस्टलर है तेरह रुपया है और डे हॉस्टेलर का यदि हम बात करें तो यहाँ पे सात हजार रुपया दिया हुआ है और दोस्तों ग्रुप वन का ही हम एस कैटेगरी का यदि बात करें तो हॉस्टलर स्टूडेंट का बारह हज़ार और डे हॉस्टलर स्टूडेंट का पचपन सौ रुपया यहाँ पे दिखा रहा है और ओ बी कैटेगरी का बात करें तो दोस्तों दस हजार रुपये यहाँ पे ईयरली ये यह यहाँ पे दिखाया गया है तो दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज ग्रुप वन का जो है हॉस्टेलर डे हॉस्टेलर इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसका कितना यहाँ पे अमाउंट बनता है जिसमें से ओ का हॉस्टेलर और डे हॉस्टेलर दोनों का सेम ही बनता है इसीलिए इसका जो ईयरली जितना ग्रुप है सब में यहाँ पे सेम पैसा दिया हुआ है अब दोस्तों ग्रुप टू के बारे में हम बात करें तो ग्रुप टू में है अदर प्रोफेशनल कोर्स लीडिंग टू डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो दोस्तों इसमें हम एसटी कैटेगरी का बात करें तो हॉस्टेलर वो 9500 और डे हॉस्टेलर छः हजार पाँच सौ रुपया है और एसटी कैटेगरी का हम देखें तो 8200 है हॉस्टेलर का और डे हॉस्टेलर का 5300 है इसी में ओबीसी कैटेगरी का देखें तो 8000 है हॉस्टेलर और डे हॉस्टेलर कोई भी स्टूडेंट हो उसी प्रकार से दोस्तों ग्रुप थ्री में यदि देखें तो उसमें भी आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखने के लिए मिलेगा जिसमें से साथियों ग्रुप फोर में ऑल पोस्ट मेट्रिकुलेशन क्लास टेंथ लेवल नॉन डिग्री कोर्स जो है इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एस सी कैटेगरी का जो स्टूडेंट का अमाउंट बना है वो हॉस्टलर का चार हजार और डे हॉस्टेलर का पच्चीस सौ उसी में एस टी कटेगरी का यहाँ अमाउंट बना है अड़तीस सौ और डे हॉस्टेलर का तेईस सौ और इसमें ओबीसी कैटेगरी का यदि हम बात करें तो उसमें ओबीसी कैटेगरी का अमाउंट जो बना है वो पांच हजार अमाउंट बना है तो दोस्तों ग्रुप फोर में जो ओबीसी कैटेगरी का एस टी एंड एस सी के तुलना में ज्यादा अमाउंट बना है और ज्यादा इसे मिलता भी है तो दोस्तों पोस्ट मैट्रिक मेंटेनेंस रेट बाय गोल इसमें दोस्तों चार ग्रुप का जो दिया हुआ है इसमें से यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट दिखाया जा रहा है वो एसी कैटेगरी का स्टूडेंट का बट दोस्तों एससी कैटेगरी का जो स्टूडेंट को यहाँ पे होस्टलर या डे होस्टलर का जो पैसा यहाँ पे मिलता है वो दोस्तों यहाँ पे दो अमाउंट में मिलता है चालीस परसेंट और साठ के रूप में तो दोस्तों यहाँ पे सवाल आएगा कि जब ज्यादा अमाउंट बन रहा है तो पैसा भी एस को ज्यादा मिलना चाहिए ओबीसी एंड एस टी की तुलना में लेकिन यहाँ पे ज्यादा ना मिलकर पैसा कम मिलता है उन दोनों की तुलना में एस को तो दोस्तों यहाँ पे पैसा ज्यादा ना मिलकर उल्टा ही हो रहा है यानी एस को बाकी कैटेगरी से कम मिल रहा है तो ऐसा क्यों तो दोस्तों इसमें से उसका जवाब यही आता है कि मेंटेनेंस चार्ज काटा जाता है जिसके कारण से कम पैसा मिलता है तो फिर दोस्तों सवाल यही था कि मेंटेनेंस चार्ज काटा जाता है तो एस का ही इतना ज्यादा चार्ज क्यों काटा जाता है बाकी का क्यों नहीं तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी यही आता है कि एस का दो इंस्टॉलमेंट में पैसा कटता है एक राज्य सरकार दूसरा केंद्र सरकार तो दोस्तों यहाँ पे दो इंस्टॉलमेंट में भी मैनेजमेंट चार्ज काटा जाता है जिसके कारण से ओ बी सी एंड एस टी के तुलना में एस सी कैटेगरी को कम पैसा यहाँ पे मिलता है तो दोस्तों ऐसा नियम ये तो गलत है स्कॉलरशिप मिलना चाहिए तो सबको सेम ही मिलना चाहिए हाँ हॉस्टेलर में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है कि हॉस्टलर को थोड़ा ज़्यादा मिलता है और डे हॉस्टलर को थोड़ा कम मिलता है लेकिन यहाँ पे अपोजिट देखने के लिए मिलता है दोस्तों आशा करता हूँ ओबीसी एंड एसटी कैटेगरी के जो स्कॉलरशिप मिलता है उसके तुलना में जो एससी को कम मिलता है इस बारे में जितना जानकारी निकल कर आया था वो आप लोगों के साथ साझा कर पाया हूँ दोस्तों इस बारे में हमारे दोस्तों का काफी सारा डाउट अभी भी रह गया होगा मैं समझ सकता हूँ मेरा भी काफी सारा डाउट है जो कि क्लियर नहीं हो पाया है आशा करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आया था वो आप लोगों के बीच साझा मैं कर पाया हूँ और हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं साठ परसेंट स्कॉलरशिप कब आ रहा है स्टेटस यहाँ पे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच सकें आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो वीडियो को लाइक करेंगे अपने दोस्तों ग्रुप में इस वीडियो को शेयर से करेंगे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद